पांड्या की बातें आपने सुनी। आतिक अहमद ने साबरमती जेल से निकलते हुए फिर कहा, डर लग रहा है साहब, यह डर अच्छा है। तो भारत एक लोकतंत्र है और हम गर्व करते हैं इस बात पे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमारा संविधान कहता है कि भारत में कानून का राज है, कानून सर्वोपरि है, और लोकतंत्र में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया गया है, जो चार प्रमुख स्तंभ है उनमें से एक मीडिया है। तो उस कानून के राज में, जहाँ संविधान का राज है, कानून का राज है, वहाँ मीडिया के एक प्रमुख चैनल के एंकर ये कह रहे हैं कि क्या आज आतिक अहमद खत्म कर दिया जाएगा, खात्मा हो जाएगा, आज समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो भाटी जी, हंसी जा सकता है इस बात पे। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि आतिक अहमद को क्या खत्म कर दिया जाएगा। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, क्योंकि उसने ये कहा कि मौत, बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं कहा सर। आपने कहा? मैंने बिल्कुल ऐसा आपने नहीं कहा। कई बार कहा भाटी जी, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। आपने कई बार कहा? नहीं नहीं साहब, आप अपने हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। मैंने बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं कहा। आप दोबारा डिबेट सुन लीजिएगा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि क्या आतिक अहमद को खत्म कर दिया जाएगा। मैंने ये कहा कि जो उमेश पाल का परिवार मांग कर रहा है एनकाउंटर का, लोग पूछ रहे हैं कि क्या गाड़ी पलट जाएगी, ये चर्चा पिछली बार भी हुई थी सर। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आतिक अहमद को आज खत्म कर दिया जाएगा, गाड़ी पलट जा रही है। राकेश जी, कोई दुर्घटना हो जाए, गाड़ी पलट जाए, कहीं गोलियां चल जाएं, अकस्मात कहीं पुलिस के ऊपर हमला हो जाए या बदमाश हमला कर दें, अब कुछ बात हो जाए और कोई मर जाए उसमें, तो ये तो होता है कि एक दुर्घटना, एक्सीडेंट या मुठभेड़, और पहले से प्लान करके और उस प्लान में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी ताली बजा रहा हो। आपने कई बार कहा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं आपने नहीं कहा, तो इसका मतलब आप गलती मान रहे हैं अपनी। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा था सर। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आज मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आप सुन लेना बाद में अपने रिकॉर्डिंग। मैं सुन लूंगा सर, और मैं बहुत होशोहवास में अपने कार्यक्रम कंडक्ट करता हूं सर। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। मैंने किसी बयान का संदर्भ दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। जो शर्त का वो लगाने को तैयार हूं, आपने ये शब्द कहे थे। बेटिंग नहीं हो रही है सर। भाटी जी, यहां पर कोई बेटिंग नहीं हो रही है। एक एक शब्द रिकॉर्डिंग में है। आप मैंने छोड़िए, आपसे सर जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब दीजिए। डर अच्छा है, होना चाहिए ना? हाँ, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। वैसे तो ज्यादातर मामलों में, लेकिन खास तौर से इस आतिक के मामले में, जिस तरह से भारतीय मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने रिपोर्टिंग की है, पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि इस मीडिया को हो क्या गया है, इस देश के मीडिया को हो क्या गया है, खासतौर से लोकतांत्रिक मीडिया को। 24 घंटे आतिक ने यहां पेशाब किया, आतिक यहां हंसा, आतिक मुस्कुराया, आतिक रोया, आतिक डरा, आतिक बे नहीं डरा, क्या पता नहीं इस देश में कोई समस्या। इतनी सिंपैथी भाटी जी, इतनी सिंपैथी आतिक अहमद से? खबर है क्या देश में इतनी सिंपैथी? अरे आम मीडिया से सिंपैथी नहीं होनी चाहिए हमें? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं आप मुझसे सिंपैथी रखिए। आतिक अहमद से इतनी सिंपैथी क्यों? इसलिए क्योंकि 21 साल तक वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा। नहीं, आपने विधानसभा भेजा, आपने उसे देश की संसद पहुंचाया, इसलिए आपकी सहानुभूति। कोई सिंपैथी? देखिए, ये आपका दूसरी बदमाशी है, ये आपका नंगापन है दूसरा। क्या आप ये चिल्लाएंगे कि इन्हें सहानुभूति है? हमें कोई सहानुभूति नहीं है। आतिक भाड़ में जाए, आतिक को फांसी लगे, आतिक को सजा हो, हमें कोई सहानुभूति नहीं है। उसने एक निरपराध व्यक्ति की हत्या की है। उमेश पाल समाजवादी पार्टी का सदस्य था, और राजू पाल की पत्नी भी अब समाजवादी पार्टी की विधायक है। हमें क्या सहानुभूति हो सकती है? लेकिन ये पता नहीं आपका दूसरा खेल है कि देखो सहानुभूति है, इन्हें सहानुभूति है। हमें कोई सहानुभूति नहीं है। हमें देश से सहानुभूति है, देश की जनता से सहानुभूति है, प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था हो, अपराध कम हो, लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। मेरे पास अखबारों की कटिंग रखी है। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा भाटी जी, वो आंकड़े सुना दीजिएगा एक एक बार में। सुना दूं मैं दोबारा आऊंगा तो सुना दीजिएगा भाटी जी। आप निकाल कर रखिए, एक एक में टिप्पणी सबकी ले लूं। किसान ने समाधान दिवस में हाथ की नस काट ली, ठीक है सर, आत्महत्या कर ली, ठीक है।